गुड मॉर्निंग माय मीर चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर पिछले हफ्ते कुछ नौजवान गाड़ियों और कारों पे स्टंट करते हुए और रेसिंग करते हुए चादरघाट मलकपेट चंचलगुड़ा से होते हुए वो लोग फिर वापस मलकपेट गए। ये कल पूरे न्यूज़पेपरों में कवर हुआ। उसके बाद हम पूरे पुलिस महकमा और स्पेशल पुलिस स्पेशल ब्रांच सब इंक्वायरी कर रहे हैं व्हीकलों की, जो व्हीकल स्टंट करे, जो व्हीकल ये रेसिंग में इन्वॉल्व हुए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इंडियन पेनल कोड और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मैं सभी पेरेंट्स से और नौजवानों से अपील करता हूँ कि सुबह फजर के बाद जो भी लोग ये इस तरीके से स्टंट और रेसिंग की हरकतें कर रहे हैं वो ऐसे हरकतें ना करें, और अपने और वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को समझाएं ऐसे हरकतों से बाज लाएं, वरना उन पे पुलिस एक्शन लेगी और जब FIR होगा तो उनको नौकरियां भी नहीं मिलेंगी और उनको आइंदा जो है एक उनके कैरेक्टर पे एक धब्बा जैसा हो जाएगा। मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को अखलाक सिखाएं, अपने बच्चों को समाज में किस तरह से लोगों के साथ मिलजुल कर चलना है
वो सिखाएं, वो सिखाना ज़रूरी है। ये स्टंट की वजह से दूसरे जो भी व्हीकल चला रहे हैं, दूसरे राहगीर हैं, उनको भी जो है डेंजर रहेगा। ये लोग स्टंट की वजह से अगर उसको मार लग गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, तो फिर बहुत बड़े मुकदमे और सेक्शंस जो है ऐड होंगे। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, ये रमज़ान में और फजर के बाद जो स्टंट कर रहे हैं, वो ऐसा रेसिंग और स्टंट में मत इन्वॉल्व हो। और जित कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना हर जगह फैल रहा है, और अपने आप को कोरोना से बचिए, और मास्क पहनिए, और डिस्टेंस मेंटेन करिए, और अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ धोइए, क्योंकि जरासीम वगैरह अपने हाथों में ना रहें। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं